इस बात पे क्यों कहे न करे फख्र मवाली, सोचा नहीं बस हमने तो। हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं लई बाबा यहाँ मोहल्ला में अतियान गोंडा, यहाँ पर बहुत तगड़ा लंगर होता है। चलिए आज का प्रोग्राम दिखाते हैं आप लोग। अभी आप लोगों को चलिए दिखाते हैं कितना कितना यहाँ पर वो है। पहले आइए दिखाते हैं। अच्छा, हमारे भाई मिल चुके हैं यहाँ पर। सलाम वालेकुम। देख सकते हैं हमारे भाई मिल चुके हैं। हमारे भाई आप बताइए ये किस किस के खुशी में हो रहा है यहाँ पे लंगर? महात्मा हुसैन के खुशी में, मौला अली के सत्ते में ये लंगर है। आज 13 रजब का दिन है, मौला अली का पैदाइश का दिन है आज। इसी के खुशी में देख सकते हैं यहाँ पे लंगर करवा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरती है, देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। और हम लोग अब जा रहे हैं लंगर, जब लंगर हो रहा है हमारे नवाजियान मोहल्ला में। चलिए आइए लंगर दिखाते हैं आपको। आइए चलिए दिखाते हैं आप। हेलो, और यहाँ देख सकते हैं लंगर चल रहा है हमारे सामने है? दोस्तों, और यहाँ पर बैठकर डीजे बजा रहे हैं। देखे डीजे बज रहा है पीछे के, एकदम इमाम चौधरी के पीछे बैठे हैं एकदम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देख सकते हैं यहाँ के कमेटी मेंबर हैं निवाती मोहल्ला के, यहाँ पे इन्होंने लंगर कराया है शान में। ये लंगर करा रहे हैं हम मौला अली के शान में लंगर कराते हैं हमेशा, आज से नहीं, ये 20 साल से चल रहा है लंगर। और हमारी कमेटी है गुलामाने अहले बैत कमेटी, उसका रजिस्ट्रेशन है, सन 2014 में रजिस्ट्रेशन हो गया था। और सारी कमेटी मिल करके और बड़े जोर शोर में लंगर भी करते, तकरीर भी होती है, कव्वाली भी होती है, सब कुछ होता है। सादा दिन 13 रजब को होता है और रात 11-12 बजे तक खाना खिलाया जाता है। फिर उसके बाद जब पब्लिक आना बंद कर देती है तो खाना बंद हो जाता है। किसका पैदाइश है? आज मौलाए कायनात का पैदाइश है, जो मौलाए कायनात काबे में पैदा हुए और रसूल अल्लाह के जो है सामने आँख खोला, और रसूल के दामाद भी हैं रसूल के, और सहाबा में भी हैं, इनसे ज्यादा रुतबे वाला या तो रसूल है, रसूल के बाद अली है जी। हाँ। आप यहाँ पे लगभग कितना पैसा लगाते होंगे? इतना ही आप लोग करवा रहे हैं यहाँ पे लंगर वगैरह, बहुत ही चीज आप लोगों ने करवाया है यहाँ पे। आप लोगों लगभग कितना पैसा लग जाता होगा? लगभग 50-50 हजार रुपया खर्चा हो जाता है, और ऐसा है कि कमेटी भी देती है, और जिसको अली चाहता है अली को वो भी आकर के दे देता है पैसा यहाँ जो है। हाँ, तमाम लोग आते हैं। मौला अली के चाहने वाले बहुत ही हैं। हाँ, बहुत ही मौला अली के चाहने वाले जी। हाँ ठीक है, लंगर भी बड़े खुलूस से खाते हैं जी, और पैसा ऐसा भी खूब लगाते हैं। अब तो एक जगह और मेवातियान में होने लगा है, एक हमारे ही चेला था वो रब्बानी, वो अपने घर में करने लगा घर पे, उधर वो उसका घर अंदर है जी, पतली गली है, इससे जो है लोग नहीं जान पा रहे हैं जी। अभी आप हमें क्या दिखाने जा रहे हैं? उधर इमामबाड़ा में कुछ है? हाँ, वो दरगाह है, मौला अली के दरगाह है।
मौला हुसैन की दरगाह बनाए हुए है, उसमें ताजियादारी भी होती है और हर जुमेरात को खुलता है, उसमें लोबान भक्ति होती है जी। और जो मानता है वो आता जाता है उसमें जी, अपना दुआ पढ़ता है जी, जो कुछ अपना करना हुआ मांगा वांगा जी, और उनसे दुआ किया पढ़ा चले गए जी। चलिए फिर आप लोगों को हम अभी इमाम बाड़ा दिखा रहे हैं, आइए यहाँ पे इमाम बारगाह में आ चुके हैं, आइए हमको इमाम बारगाह आप लोगों को दिखाते हैं। ये यहाँ की खूबसूरती देखिए माशाल्लाह, कितनी खूबसूरती से यहाँ पे सारे आइटम देख सकते हैं। यहाँ पे सिरनी वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे वारिस पाक का फोटो भी रखा हुआ है या वारिस पाक की, और यहाँ पे देख सकते हैं ये घोड़ा रखा हुआ है पंचायती, ये यहाँ पे रखा जाता है नवई की रात में, बहुत ही खूबसूरती है यहाँ पे। आलम भी रखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये आलम है यहाँ का आलम, कितनी खूबसूरती से यहाँ पे टंगा हुआ है आलम। हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेवातियान मोहल्ला में लंगर हो रहा है, आइए दिखा रहे हैं आप लोगों को। हेलो गाइस, देख सकते हैं नेवातियान मोहल्ले में कितने खूबसूरती से लंगर हो रहा है, लंगर देख लीजिए आप, लंगर दिखाइए। देख सकते हैं यहाँ पे लंगर का खाना बन रहा है, यहाँ पे रोटी बन रहा है लंगर का, देख लीजिए कितने खूबसूरती से यहाँ पे चल रहा है, देख सकते हैं लंगर आप और आप, अभी आपको दिखा रहे हैं इधर, आपको दिखा रहे हैं ये इधर लेडीज चल रहा है, लेडीज लंगर चल रहा है, आइए इधर से दिखा दे रहे हैं आपको। बोली और यहाँ पर लेडीज लंगर चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा हम अभी हिचकिचा रहे थे तो इसीलिए फरीद भाई को पकड़ा दिए माइक, इसीलिए चलिए अब आगे की सीन दिखाते हैं आगे वाला। चलो मिस काट दो, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लंगर का खाना बन रहा है, ये यहाँ पे दाल और गोश्त की तैयारी हो रही है, और उधर रोटी बन रहा है, चावल बन रहा है, ये लोग बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं खाना। यही है मोहल्ला में एहतियान और यहाँ पर यही हो रहा है, और यहाँ पर पहुंच चुके हैं लाइक बाबा के इमाम चौधरी पर, जहाँ पर बहुत ज्यादा से ज्यादा वो हो रहा है। अब लंगर की वीडियो दिखाया, अभी चलते हैं इमाम बाड़ा के अंदर, देख सकते हैं यहाँ पे एसके अनस बॉस खाना खा रहे हैं लंगर का खाना। दोस्तों अब चल रहे हैं घर पर हम अपने, दोस्तों चलते हैं घर पर, लंगर हमने खा लिया, आप लोगों ने वीडियो में देख लिया, और चलते हैं अपने रास्ते पर। 786 सामने